Thank you.
ग्रहण कृष्ण लगे चरण अरविंद नाम स्वामी काम
में वो सर्वप्रथम लिप्त रहे और कहीं विल ही चरित्र है। चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से पहले माधवेंद्र को गांव में जैसे कि आसपास अन्य बसा है थोड़ा पहले तो अन्य गांव में रहते थे भगवान के विशुद्ध भक्त तो उनके स्वप्न में भगवान कहते हैं मैं यहाँ गिरी कंदरा में ये सर्दी के दिन धूप के दिन अति कठिन से गुजार रहा है तो मुझे निकाल उससे जाना चाहिए। तो ऐसे आप प्रोत्साहन उनको मिला है तो दूसरे दिन उठकर सभी अन्य वासियों को इकट्ठा करके कहते हैं कि भगवान ने मुझे बताया कि एक गाय उसे दूध बहा करती है तो उन जगह मालूम हो जाएगा जब दूध गिरता है सूखता है या गीलापन रहता है तो दही बन जाता है तो दही की वास आएगी मुझे दूध निकालने में कोई आसानी रहेगी लेकिन तुम तो मुझे बात तो माधवेंद्र पुरी ने अपने सारे ये ब्रिजवासी अन्य वासियों को इकट्ठा किया और भगवान ने जैसे बनाया बताया था तो धीरे धीरे पत्थर गिरी कमरा के नीचे भगवान का स्वरूप दिखाया बाया हाथ ऊँचा था गिरिराज चरण करने वाला तो माधवेंद्रपुरी ने यहाँ इनको गोविंदपुर में लाकर स्नान और बड़ा महोत्सव गोविंदगढ़ सारे तीर्थों गोविंदपुर का महत्व के सारे तीर्थ इसमें बसे तो गोविंदगढ़ में स्नान करने में कोई पाबंदी नहीं क्योंकि यहाँ सभी अपने अपने गर्वों को बताने के लिए गोविंदपुर में स्नान करते हैं। ऐसी जगह पर भगवान ने गोवर्धन धारण किया था लेकिन उनका मुख बरसा के वो गिरिराज चरण यहाँ किया था तो ये बीच वाली जगह तो यानी कि बैलेंस यहाँ बना रहा पर लेकिन भगवान उसी तरफ देखते थे क्योंकि राधा रानी इत्यादि इनको कोई परेशानी नहीं है बारिश में और जो बाढ़ आई थी तो सभी लेकिन नंदगांव के लाला को क्यों आते वो तो बरसाना से भी दूर है 8 किलोमीटर सही ना पर फिर भी भगवान ने यहाँ गैया चढ़ाने के लिए तो आते थे तो भगवान ने यहाँ उस तरफ बरसाना की ओर और ये राजी था राधा रानी को निहारने के लिए भगवान राधा रानी अंदर नहीं आई गोवर्धन उठाते समय राधा रानी कहा सारे अन्य ब्रजवासी आए थे राधा रानी नहीं थी तो बरसाने नहीं इसलिए भगवान ने वहां भेज दिया वो देखते रहेंगे तो इंद्र का गर्व का नाश करने के लिए राधा रानी की आवश्यकता अंतरंग थे बाहर दिखा अकेले काफी है
किसी भी असुर को मारा है तो भगवान ने रानी का साथ छोड़ा दिया, क्योंकि ये ऐश्वर्य लीला है, आनंद की लीला है। किसी का गर्व खंडन करना या किसी की शत्रुता मिटाना या शत्रु को मारना, ये सब भगवान की शक्ति मत्ता का अनेक अधिकार तो का ही प्रश्न रहता है। तो ये सब प्लेस वेयर गोपाल वॉज एक्सक्रिएटेड। तो वैसे कई लोगों का कहीं जो सफेद मंदिर दिखाता है गौड़ी के दिखाता तो उन्होंने मंदिर बनाया और वहाँ गोपाल की स्थापना की, तो वो मॉन्यूमेंट अभी भी है। पर लेकिन जो समय की कहानी है, बहुत बार टर्किश सैनिक चढ़ाई करने आते, वो सभी ये ब्रिजवासी को कह देते हैं तुम्हारे मंदिर में से भगवान हटाओ, हाँ हम मंदिर तोड़ेंगे, भगवान को कुछ करेंगे, इसलिए भगवान को बचाना है तो आप ले लो। वो लोग घबराते थे भगवान से, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि हिंदुओं काले भगवान को पूजेंगे, इसलिए छोड़ते ही मंदिर को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान को छोड़ेंगे। तो मंदिर का खंडन करते थे भगवान को छुपाने के लिए, और यही मात्र यहाँ थोड़े दूर राजस्थान की सीमा लगती है, वहाँ से राजस्थान में उनको संरक्षण मिलता था। तो ये मार्ग ऐतिहासिक है, और गिरिराज जी की परिक्रमा इत्यादि, तो इसका महत्व तो गिरिराज कृष्ण भगवान ने स्वयं स्थापित किया, इंद्र का गर्व खंडन करने के लिए जब गिरिराज उठाया, गिरिराज की महिमा हमने सुबह सुना। उसके बाद जब भोग लगाया, स्वयं भगवान अपना विस्तार करके भोग खाने लगे, और बाद में कहते हैं हरी हजम करना है, चलो परिक्रमा लगा। तो परिक्रमा चारे ओर घूमते फिरते लगा, परिक्रमा मार्ग पे इतना मशहूर है, बहुत सारे कुंडों की उपस्थिति है, देवता देवी सभी उस समय आते थे और भगवान के ये अति मानवीय पराक्रम को देखकर तो भगवान का सविता समझते थे, भगवान की प्रशस्ति करते थे। तो इसी तरह माधवेंद्रपुरी अपने वैष्णव इतिहास में भी बहुत अति शुद्ध विशुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, और वो भी सन्यासी के रूप में काफ़ी ट्रैवल करते थे। तो जब ये गोपाल जी की स्थापना हुई, तब माधवेंद्रपुरी ने अपने ब्रिजवासी भक्तों को लगाया था, पर फिर भी उस समय माधवेंद्रपुरी वैसे बंगाल के साथ ज़्यादा रिश्ते करते थे, तो बंगाली भक्तों को भी बहुत ही सेवा में लगा दिया। तो ज़्यादातर जैसे बंगाली ही दिखाते थे, यहाँ बंगाली अड्डा काफ़ी अखाड़ा भी था, बंगाली अखाड़ा तो यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, सभी सिन्हा जी की सेवा में लगते। और सिन्हा जी तो बाद में प्रचलित, पहले गोपाल भी कह रहे थे, गोपाल माधवेंद्र खुद के समय में उनको कहा जाता है। माधवेंद्रपुरी के शिक्षा शिष्य जो बल्लभाचार्य नाम के हैं, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, उस कॉन्टेम्पररी तो चैतन्य महाप्रभु, बट ही हैड
then not coming directly in the disciplic succession of Gaudiya Vaishnava. Yet he was following Chaitanya Mahaprabhu. He had a desire that Chaitanya Mahaprabhu is Lord himself. He has heard the glory so much. But he had an ambition to write the commentary on Srimad Bhagavatam, which is all understanding and realization. And he was very anxious. In Vaishnava specialization of writing the Vedanta Sutra commentary on Srimad Bhagavatam was initiated by celebrated Sridhar Swami. So even today, Chaitanya Mahaprabhu considers Sridhar Swami's commentary to be standard and they must be referred. That is the Vaishnava foundational principle. So, ye Balabhacharya wrote Subodhini with a little twist of his own, but claiming that this twist nullifies all the scholarly commentaries of Sridhar Swami. And he was very proud of it. And Chaitanya Mahaprabhu said, this is not the right move and attitude in our disciplined succession. See, he objected that he would not approve even to listen to whatever he had. So this created little disappointment in Vallabha's mind. When Chaitanya Mahaprabhu denied, all the devotees also denied. So he was isolated. But he knew the nature of Gadadhar Prabhu, to be in the mood of Radharani. So he went and surrendered to him. Please save me. Of course, the scholars are there, but at the same time, they may have also difference of opinion. Naso muni yasya madinna bhinna. That is, a scholar is not called a scholar if he agrees with somebody else. Right? He must be saved. So that is their tradition. Otherwise, why don't they take up Sridhar Swami's commentary? They had an objection. Sridhar is Tika, or the commentary on Srimad Bhagavatam, is the standard, it is still valid today. Right? So, when Chaitanya Mahaprabhu disapproved in the beginning, he surrendered to Gadadhar Pandit. Bhaktivinoda Thakur says that he took shelter of Gadadhar Pandit and he got initiated. Otherwise, there are no writings about Vallabha's getting initiated. They claim, you know, that Srinadji himself initiated Vallabha. And similarly, his children were also initiated by Vallabha's personality. But regardless, because he was a student, Siksha student, they were calling him Madhavendra Yati. And there is always some obligation from the Guru to the disciple. So Balabhacharya understood, he established Jatipura for the glorification of Madhavendra Yati. But nobody knows anything today because the importance of Madhavendra Yati has been
predominantly peaceful program. That is the seminal situation, not disciplined situation, seminal situation that is carrying on there. Of course, it is also approved by the Shastra, but it won't last long. Seminal situation is prone to devaluation and it will disappear soon. So naturally, they also know the Gopal deity, after worship for 16 years by Madhavendra Puri, handed over to Vallabhacharya. And Vallabhacharya also got it back, but he handed over to his sons, Vitalesh, especially the younger one. He was very fond of worshipping the deity. Very meticulous, very meditative. So they are scholars and they maintain the standard of worship. But the difference between Sridhar Swami and Vallabhacharya was on the basis of an easy path rather than scholastic path. The Pushti Marg is an easy path that Vallabha described in his Subodhina. But the seminal succession he did not describe. He never initiated officially any devotee. He let it rest on the decision and realization of the Lord and a devotee. So, in this way, he took sannyas, self, and he went from Govardhan to Prayagraj, where his original seat was, across the other side of Ganges, the Kumbh. I have visited that place. It's a nice Vaishnava pit, the first pit, very important. So, to carry on this, Vitales and his brother came to Vallabha, but he did not to speak to them. I have taken sannyas. My ties with the bodily conception is over. And Shinaji will reveal you everything. So don't worry. So they consider they are initiated subsequently by Shinaji. That's why the importance of this the descendants of Vallabhacharya, Vallabhakula. So this dynasty is receiving revelations, and on that basis they are carrying on. But anyway, influence of Kali is very strong. So therefore, we wish, as long as they are worshipping Shinaji. What happened prior to that, Shinaji was, the Vrindavan temples were attacked by the Muslims quite often. And one of the times, they moved Gopal deity to Mathura in Vitales' home. And from Vrindavan, Raghunath Das Goswami and Rupa Goswami, they were very anxious to see Madhavendra Puri, our Sampradaya deity, how they have been taken care of. So they will visit every day to
Mathura and have darshan. They were very pleased. Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami approved that Vithala should carry on the worship. That's how officially the deities are with them. After Vithala is the fifth generation, Giridhara Goswami was there, and during his time, they got the idea to shift the deity and get permanent protection. But Vithalesh saw that Bengali pujaris are still worshipping. He wanted to establish the glories of Braja. So Bengalis cannot establish the glories of Braja that way. That was his idea. So he removed them and installed all the local Vrijvasis to serve him. So in Israel, when Shinaji went from Anyur via Pushri to Rajasthan, he was accompanied by all Vrijvasis. Meanwhile, a temporary shelter was given in Kakaroli, and they were ready to make new Braja atmosphere in these hills of Tarawali. Gasiyar and Kakaroli. They are very close to each other. So they say Kakaroli. It's one of the important pithas. We went there. Yeah. And they respected us like anything, as if the family members are coming. So, Shinaji, that is Gopal Deity, moved there, stayed for about 10 years or so. And then they prepared the whole Vrijvasi atmosphere of Giriraj and all these different meditative aspects of their worship were implemented. Isi tarah Shinaji wahan khelna laga. Nahi to yahan to Gopal se hi jaan jaate. Shinaji तो नाथ द्वारा भी वहाँ ऐसे ही प्रकट हुआ. आज देखोगे तो नाथ द्वारा बम्बई शहर जैसा लग रहा है. जो 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 सारी भावना जो ब्रज की होती है वो भावना कहाँ थी. भक्ति प्रधान, जब भावना ही भक्ति नहीं है और उसके पुख्तता नहीं, मैच्योरिटी नहीं, तो हाँ फिर वर्षिप. But Madhavendra Puri has a glorious past for us to understand the Bhav Bhakti aspect. Not traditional, but Bhav Bhakti. In Bhakti, we must develop Bhav, but not in nature. We have to go through purificatory processes, anathana bhakti, and then nishtha comes. So most of us are simply struggling in anarthana bhakti. But Madhavendra Puri was on the stage of power. So what a gulf of difference. Even though we are connected in specific succession through Madhavendra Puri and through Madhvacharya and all of the things, right? If you see, the Bhav Bhakti, we are told two major incidents in the life of Madhavendra Puri. While he was worshipping, Gopal complained to him again. Can you get some sandalwood paste? My whole body is burning.
and my brother Puri took off to go to south, the Malay mountains, where Malay Chandanam is available. So sandalwood was needed. He was always meditating. My Lord has commissioned me to go and find temple and bring to him. So he went. When a preacher, sannyasi, go, they do not know the road, but it is simply by way of finding out from the others. And that process is still valid in India. If you do not have address, but you say somebody, ha ha, you go left, right, left, and you lose. Everybody knows. So in this way, our rich map, geo map, Google map is live. This is dead. So devotees will travel and always meditating about the sandalwood. Madhavendra Puri arrives in Orissa, and there Gopinath temple is very famous. Madhavendra Puri stayed, and he was in rapt attention meditating on Gopinath, because not even technically but philosophically and essentially there is no difference between one deity to another. Only the deity which is in your heart, that is your Ishta Dev, they will manifest everywhere. Chaitanya Mahaprabhu says that sthavar jangam dekhe na dekhe. Why? Nirantar spurti tar murti. One does not see whether this is dead or this is alive thing. Sthavar jangam. Sthavar means stationary and jangam means moving. No one considers this because this deity is traveling with you. Right? Wherever you go, you may not have the deity in person, but because it is your Ishta Dev and that you are keeping in your heart, they travel with you. They are simply the manifestation of your Ishta Dev. So when he arrived at Gopinath temple, he was very attractive, but he could never forget Shenaji and Gopalji. So Madhavendra Puri heard that Gopinath is given in the evening when Krishna is going to take rest. He will be given special key. And seeing the key, there was a transgression in his mind that he wanted to taste. And the offering is not done. And then he realized that he committed a great offense. So he walked out.
His meditation was interrupted by this little offense. उन्होंने समझा कि मैंने अपराध कर दिया, ये खीर भगवान को अभी तो चढ़ी नहीं है, उसे पहले मुझे खाने के लिए इच्छा हो गई, क्या बात। तो मंदिर से निकल गए, रात भी हो रही थी। कृष्ण भगवान गोपीनाथ ने क्या किया, खीर की कटोरिया पड़ी हुई छुपा दी, छुपा के और बाकी की खीर जब ऑफरिंग खत्म हो गई तो ले गया, उसको ध्यान भी ना कि भगवान को छुपा दी। चलो ठीक है, रात को 12 बजे सब सो गए थे, तो गोपीनाथ पुजारी के स्वप्न में आए, वो कहना के अरे भैया उठ, मेरा एक डिवोटी भूखा है। अभी तो कहीं पूछना की व्यवस्था होगी नहीं, स्वप्न में ही ये सब संवाद चल रहा है। तो भगवान कहते हैं पूजन करने ने मैंने उसको उसके लिए कटोरी छुपा रखी है। तब उसकी आंख खुल गई, ये तो स्वप्न था, लेकिन स्वप्न को साकार कैसे किया जाता है। पुजारी उठा देखने अंदर फिर से, तो सचमुच कटोरी निकली। तो वो तो भाव भी गोल हो गया, तो उसको भगवान की सत्यता की प्रतीति हुई ना। पुजारी था, पवित्र था, सब कुछ भगवान ने उत्कर्ष कर उस पर कृपा कर दी। तो तुरंत उठा, माधवेंद्रपुरी चला गया, भगवान ने उसके लिए खीर रखी, चलो मैं देख रहा हूँ, लेकिन होगा क्या। तो रात को 12 बजे अंधेरे में और वैसे पुकारने लगा, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कहाँ हो, तुम तो कितने धन्य हो, इतने बड़े ऊंचे भगत हो, ये भगवान ने तुम्हारे लिए खीर छुपा के रखी है, आओ आओ, हमसे गलती हुई, हमने कोई प्रसाद नहीं दिया, लेकिन भगवान ने तो तेरे लिए प्रसाद रखा। तो माधव नंदपुरी बाजार में कहीं जो सब्जियां का टेबल होता है ना, वहीं सोए हुए थे, तो उन्होंने अपना नाम पुकारते हुए पुजारी को सुना, उठे तो भैया क्या है, अरे माधव नंदपुरी तो चरण कमल पर पड़ गया, भगवान तुम्हारे पर कितने कृपालु, देखो उन्होंने एक खीर चुरा के रखी आपके लिए, वो जानते हैं आप इतने पवित्र हो, जो भगवान आपकी देखभाल करते हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, आप सचमुच ऊंचे किस्म के भगत। तो माधवेंद्रपुरी कहते तू भी कैसा ऊंची किस्म का भगत होता है, वो भी मुझे पता है कि जब भगवान तेरे स्वप्न में आते हैं, वो कहते हैं कि तेरे मैंने खीर छुपा के रखी है, तो भगवान का साथ साथ का पूजन तो हो रहा है। ओनली ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन कैन रिकॉग्नाइज अनदर सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, हम लोग नहीं पहुंच पाए। ये श्रीमद् भागवत में भी आता है कि प्रहलाद महाराज और अवधूत की कहानी है, अवधूत रोकड़ा कह देता है प्रहलाद महाराज, आई नो यू बिकॉज यू आर लिबरेटेड, यू कैन अंडरस्टैंड द लिबरेटेड कंडीशन ऑफ अदर, दोज हु आर नॉन लिबरेटेड दे विल नेवर अंडरस्टैंड। तो स्पेकुलेटिव प्रोसेस नहीं, रियलाइजेशन इज अ ट्रू identity in spiritual life. That is to be established first. So, itne unche kisam ke vishuddha bhakton ki vartani maharaja ko ke liye kheer churai, isliye pujari ne kaha ki ye to hamare kheer chor gopinath ho gaye hain,
चोरी करने की तो उसको पहले बचपन से आदत है, तो अब बड़े हो गए भूले भूलते नहीं, तो हम क्या करें, हमको ऐसे ही स्वीकारना चाहिए। ऐसे भी खीर खाते खाते बड़े ही होते ना, कम थोड़े होते हैं। वहां तो हर रोज खीर बनती है। माधवेंद्रपुरी was always in rapt attention with the spiritual emotions of separation from Lord Shri Krishna. And that tradition is very important for us. Unko niran ki vedana mein uska ek shishya Ramchandra Puri गलती कर बैठा और मायावादी फिलोसफी सिखाने लगा। जो नहीं पहचानता है अपने गुरु की आंतरिक स्थिति को, वो शिष्य कमजोर हो रहा है। तो शिष्यों का भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कैसे अपने गुरु के भाव को मूल एंबिशन जिसे कहते हैं उनको समझ। And disciples are not going to cultivate the discipline of understanding the mood and mission of Srila Prabhupada and his form. Then that is a failure. Therefore, we have to accept the mood and mission of Srila Prabhupada. And without reading his biography, who can understand Prabhupada's mood and mission? He declared himself. So, ये जो परंपरा चली आ रही है, तो वो रामचंद्र पुरी गलती कर बैठा कि वीरा की वेदना भगवान से जब अनुभव करना है, तो इतने जो कष्ट होता है तो वो सही कष्ट और उसे झेलना काफी मुश्किल होता है। तो इसमें दुख के आंसू नहीं है, लेकिन रिमेम्बरेंस के आंसू आते हैं, अलगाव के आंसू आते हैं, सेपरेशन। इसीलिए रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी का ध्यान प्राप्त करता है। ऐसी विरह वेदना में भी संतुलन बनाए रखने के लिए उसको डांट मारी निकल जाएगा सब शिष्य कहने के लिए। यदि गुरु की ये दशा है जो शिष्य समझने में ना समर्थ है, तो सारी जिंदगी वो क्या अपने स्वतंत्र इच्छा के लिए ही जिया। गुरु की इच्छा है तो कोई जीता नहीं, तो भगवान की इच्छा से कैसे जी पाए। इसलिए उसके मन में गुरु को सांत्वना देने के बजाय गुरु का क्रोध उसको प्राप्त होता है। क्रोध कोई आशीर्वाद थोड़ा होता है। Never try to temper your guru. Never try. सारी भावना ये जो है भगवान के साथ के संबंध में होती है। जब इसमें कोई विक्षेप करता है, दखल की भी करता है, और जब ये प्रेम के विरह, प्रेम से जब विरह, उसमें तीसरे की दखल की भी भगवान सहन नहीं करते। दो ही आते हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो समय, तीसरा नहीं, थ्री इज अ क्राउड।
Three is a company, three is a crowd. So never go and interfere. अपने घर में जो फर्नीचर बनता है, सोफा होता है, लव सीट भी होती है, वो दो दो की होती है, किन की नहीं। उसी तरह हृदय में कभी दो को बिठा सकते हैं। हम तो बैठे ही हैं, परमात्मा भी बैठे हैं, तो लेकिन परमात्मा का स्थान जब अपने इष्ट देव ले लेते हैं, इसमें तीसरे का कोई दखलगिरी नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत सुरक्षित रखना होता है इष्ट देव को। माधवेन्द्रपुरी वॉज द फर्स्ट वैष्णव आचार्य हु इज रसिक। सो चैतन्य महाप्रभु टुक इनिशिएशन फ्रॉम ईश्वरपुरी। Otherwise, Advaita Acharya, Nityananda Ram, Haridas Thakur, ये तीनों माधवेंद्र पुरी के शिष्य तीनों, they were all disciples of Madhavendra Puri, like Vallabhacharya, maybe Shiksha disciple, but disciple is a disciple, he is in the discipline. So, शिक्षा हो या दीक्षा हो, अपनी गाड़ी आगे चलनी चाहिए। अपनी गाड़ी गोविंद कुंड में जाएगी सफाई के लिए, ऊपर ऊपर से कौन सफाई करेगा, आसपास ही सफाई करेगा, अंदर नहीं जाना, पानी ठंडा।